बसी सबका ध्यान रखती है। मसाई मसाई क्या हुआ? तुम्हें पता है घर में सभी को फीवर हो गया है, तो आज घर के सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी भी तबीयत खराब हो जाए। मैं बाहर नहीं निकलूंगी दीदी। तुम्हें उठना ही पड़ेगा। देखो मेरी तबीयत खराब है, मैं घर का काम नहीं कर सकती, इसलिए आज तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब उठो। बाहर बहुत ठंड है। और क्या कहा था? ऐसा करना, पहले कपड़े सूखने के लिए डाल देना और फिर घर की सफाई कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कोई काम नहीं करते तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे कपड़े किसने सुखाए हैं बाहर? क्या कर रहे हो शिनचान? टीवी देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए। लाओ रिमोट मुझे दो। मुझे भी प्रोग्राम देख रहा था, दिवाली में मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, दीजिए ना मुझे रिमोट। शिनचान जिद मत करो, मुझे और भी काम करने हैं, किक भी जाना है, सफाई भी करनी है। लाओ रिमोट मुझे दो और तुम चुपचाप लेट जाओ, समझे तुम? मुझे आइसक्रीम खानी है। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं खा सकते। आप समझ की नहीं रही है। प्लीज मिसाई मौसी आइसक्रीम ला दीजिए। मैं घर आ गई। अरे आप घर आ गई मौसी। अगर तुमने टीवी देखना बंद नहीं किया तो मैं जो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ ये तुम्हें नहीं दूंगी। मुसाई आ रही हूँ। कैसा लग रहा है दीदी? क्या बताऊँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपने जो सामान मंगवाया था वो मैं ले आई हूँ। आप बस आराम कीजिए दीदी, घर की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत प्यारी बहन हो। मुसाई तुम्हें सच में कितना काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद आप लोगों को ही मेरा काम करना है। एक काम और करोगी, लंच में सबके लिए दलिया बना दोगी क्या? क्या दलिया? पर ये बनता कैसे है? चलो कोई बात नहीं, कोशिश करके देखती हूँ, बन ही जाएगा। आज मैं दलिया जरूर बनाऊंगी। अब गैस जलाकर इसे ढक देती हूँ, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तब तक मैं यहीं रहूंगी। मिसाई मासी। हाँ शिनचान, बोलो क्या बात है? मेरी तबीयत खराब है, आप मुझसे नर्स की तरह बात कीजिए ना प्लीज। क्या ऐसे? शिनचान तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। तुम्हें आराम करना चाहिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ठीक है। अब तो बुखार कम है, तो क्या मैं जाकर टीवी देख लूं? अभी तुम्हारा बुखार सिर्फ कम हुआ है, पूरी तरह उतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें और आराम करना चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ। ठीक है नर्स, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। कुछ गलत कहा? शिनचान मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अगर इतनी फिक्र है तो आप मुझे टीवी क्यों नहीं देखने दे रही? अब तुम बातें बनाना बंद करो और सो जाओ शिनचान, और अपने हाथ कंबल के अंदर रखो वरना फिर बुखार बढ़ जाएगा। मिसाई मौसी कहानी पढ़ के सुनाइए ना। खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? हाथ बाहर निकालने पड़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा रहता था। कितने समय पहले की बात है? बहुत समय पहले, मुझे नहीं पता। वो गांव कहाँ पर था और उस गांव का और उस बच्चे का नाम क्या था? शिनचान अगर तुम मुझे कहानी आगे पढ़ने दोगे तभी तो बताऊंगी ना कि गांव कौन सा था और बच्चे का नाम क्या था। आप कहानी बहुत धीरे पढ़ रही हैं मासी। अगर आगे की कहानी सुननी है तो चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो। आपने तो हाथ बाहर निकालने के लिए मना किया था, सवाल पूछने के लिए नहीं।
ये तो क्यों करती है, मैं दोबारा बना देती हूँ। तुम्हें दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही से कुकर में बनाना चाहिए था। पता नहीं खाना बनाना तुम कब सीखोगी। मैं तो पहली बार दलिया बना रही थी ना, मुझे नहीं पता था कि इसे कुकर में भी बना सकते हैं। मॉम मॉम, लेकिन मुसाई मौसी ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ना। शिनचान ठीक कह रहा है मित्सी, मुसाई ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम लोगों को इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को पता है कि इसकी वजह से मेरा महंगा वाला बर्तन टूट गया। ये मैंने नहीं, आपने तोड़ा है। पर टूटा तो तुम्हारी वजह से। अरे बस करो मित्सी, तुम भी तो कभी कभी बर्तन तोड़ देती हो। याद कीजिए डैड, आपने भी तो एक बार मॉम का कीमती वाला बर्तन तोड़ दिया था। हाँ तो इसीलिए हम नया भी तो ले आए थे बेटा। शिनचैन जो बोल रहा है क्या वो सच है हैरी? हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करो। तुम नहीं सुधरोगे शिनचैन। गुस्सा करने से बुखार बढ़ता है। तुम जाकर खाने की तैयारी करो। आज तुम्हें ज्यादा ही डांट दिया ना। कोई बात नहीं, हिमावारी ने दूध पी लिया। बीमारी में आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। नहीं, मेरी झूठी आइसक्रीम मत खाओ हिमावारी। शिनचैन, हिमावारी को भी दे दो। क्या? अच्छा ले, अगर तुमने खा ली है तो अब सो जाओ। ठीक है, चलो हिमावारी अब तुम भी सो जाओ। चलो देखती हूँ शीरो ने अपना खाना खत्म किया या नहीं। खाना अच्छा बना है ना? आपका शुक्रिया। इसने खुद नहीं बनाया है, ये खाना बाहर से लेकर आई है हैरी। खाना शुरू करते हैं। मुसाई, तुम हमारे लिए ये लेकर आई हो? आज मैंने बहुत मेहनत की है ना, इसलिए ये सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। क्या? मुझे अपना ध्यान रखना होगा ना, ताकि मैं बीमार ना पड़ूं। आप लोग देख क्या रहे हैं, अब खाना खाना शुरू कीजिए ना। खाना शुरू करते हैं। आम आम आम, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हमारे लिए भी यही ले आती। अगले दिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर शिनचैन आ गया है। तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, आपको अभी और आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है शिनचैन, चलो जल्दी उठो और एप्पल खा लो। ये क्या है दीदी, आपने एप्पल के इतने बड़े बड़े पीसेस क्यों किए हैं? आप जानती हैं ना, मैं एप्पल के छोटे छोटे पीसेस खाती हूँ। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने आप सबकी इतनी अच्छे से देखभाल की थी, आप भी वैसा ही कीजिए। ठीक है ठीक है।